अस्सलाम वालेकुम। एसिटिक एसिड, इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। आगे जितने भी हमने लेक्चर पढ़ने हैं वो एसिटिक एसिड, और लास्ट में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की। क्योंकि एसिटिक एसिड में देखोगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है हमारे पास CH3C OH और साथ में O के साथ है H। ये वाला जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये वाला फार्मूला हमारे पास एसिटिक एसिड का है। तो एसिटिक एसिड के जो इस लेक्चर में चीज़ें डिस्कस करेंगे वो लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन। एसिटिक एसिड को लैब के अंदर हम किस तरह तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, एक मेथड देखा जाए ना, जो इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा है, आप इथाइल अल्कोहल लो, उसकी ऑक्सीडेशन करो, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो तो हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। पहला जो तरीका का आ रहा है वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या फिर एसिटाल्डिहाइड। आप इथाइल अल्कोहल लो या एसिटाल्डिहाइड लो, दोनों की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कौन सी चीज बन जाएगी? एसिटिक एसिड। तो चेक करते हैं, ये मेरे पास ना इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, और ये रिएक्शन हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये वाला रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ा, सही है। इसके बाद इसी चैप्टर में जब स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी पढ़ा, अब दोबारा फिर पढ़ रहे हैं। तो भैया आप इसकी करवाओ ऑक्सीडेशन। भैया ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सबसे कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसके साथ हम यूज़ कर रहे थे कोई ना कोई एसिड H2SO4। ये वाली चीज़ें, इन दो चीज़ों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अगली चीज़ की ऑक्सीडेशन करवाता है। इसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास पैदा होगा CH3C OH और इसके साथ H एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। अब इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करवाओ, क्या करवाओ, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करवाओ, किसकी मौजूदगी में? K2Cr2O7 और H2SO4 की मौजूदगी में। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो एसिटिक एसिड है, हमारे पास कंपाउंड बनेगा एसिटिक एसिड। ये जी तरीकाकार। अब यहाँ पे जो बातें हमने नीचे रिएक्शन के अंदर कही है ना, वो इंग्लिश के अंदर थोड़ी बहुत ट्रांसलेट करके लिखेंगे कि व्हेन इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज, जब इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है देन इट फॉर्म, तो ये बना देते हैं कौन सी चीज? एसिटाल्डिहाइड। ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बना देंगे, और एसिटाल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनेगा, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस, ये पैदा करेगा हमारे पास कौन सी चीज? प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड को पैदा कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात याद रखिए, जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो K2Cr2O7 और H2SO4 है। ये बात एक लास्ट में हम लिखेंगे, H2SO4 और K2Cr2O7 इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास पहला तरीकाकार लैब के अंदर एसिटिक एसिड को तैयार करने का, और ये वाला तरीकाकार अमूमन इस्तेमाल भी किया जाता है लैब के अंदर, क्योंकि ये वाली चीज़ इजीली अवेलेबल होती है। ये वाली चीज़ें भी दोनों इजीली अवेलेबल होती हैं। अब ये दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल के, इसके ऑक्सीडेशन करवा के एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड से मजीद एसिटिक एसिड हम तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फ्रॉम मिथाइल साइनाइड। देखो मिथाइल साइनाइड कौन सी चीज़ होती है? ये वाली चीज़, मिथाइल ये वाला ग्रुप है,
इसके आप साथ क्या लगाओगे, सायानाइड, सी एन ग्रुप लगाओगे, कौन सा ग्रुप लगाओगे, सी एन ग्रुप, ये सायानाइड है। आपने मिथाइल सायानाइड लेना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, क्या करवाना है, और ये भी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, हमने कहा था वहां पर ये बात लिखी भी थी, अगर सी एन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम यही बात यहां पर लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलाइसिस, वाटर की मौजूदगी में किसी चीज को तोड़ा जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ये कौन सी चीज पैदा करेगा, प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इस रिएक्शन में पता क्या होना है, ये वाले जो सी एन ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जी नेक्स्ट पॉइंट, हम यहां पे दो पॉइंट लिखेंगे, सी एन ग्रुप, सी एन ग्रुप कन्वर्टेड, ये बदल जाता है, कन्वर्टेड इनटू सी ओ ओ एच ग्रुप ऑन ऑक्सी ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो अब जो बातें हमने लिखी हैं, इसका रिएक्शन करना है और इस बात को कर देना खत्म। क्या जी हमारे पास रिएक्शन बनेगा, हमने मिथाइल साइनाइड ले लिया, ये वाली चीज़ हमारे पास मिथाइल साइनाइड सी एन। बच्चे आपने मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाने लगाऊं, तो जब आप एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो सिर्फ ये वाला जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में। और इसके साथ जो बाकी चीज़ें बन रही होती हैं वो हमारे पास है अमोनिया और वाटर, ये बाई प्रोडक्ट आप लिखो या ना लिखो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम जो कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि जो साइनाइड ग्रुप है अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये वाला जो साइनाइड ग्रुप है सी एन ये कन्वर्ट हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में, इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और साइनाइड ग्रुप को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो याद रखिएगा साइनाइड ग्रुप इस तरह होता है, बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा होता है एन, ये साइनाइड ग्रुप है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये दो तरीका का आ रहे हैं जिसको हम यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं, लैब के अंदर, लैब के अंदर एसिटिक एसिड को तैयार कर रहे होते। याद रखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड को, किसी और चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। सो ये दो तरीका का आ रहे हैं, जो तरीका इन तरीकाकार को इस्तेमाल करके हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड।